ये कहानी धर्मपुर के सबसे धनी आदमी धनी राम की है, जो किसी बीमारी के कारण जीवन के अंतिम समय से गुजर रहा है। धनी राम अपने परिवार का अकेला सदस्य है। उसके घर में दो नौकर हैं, सावित्री और बलदेव। धनी राम को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसने लोगों से बेईमानी करके जो पैसा कमाया है वो उसके काम नहीं आया। मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति रिश्तेदारों के हाथ लग जाएगी, इससे भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। धनी राम चाहता है कि उसका धन मोक्ष का कारण बन जाए। इसके लिए वो सावित्री और बलदेव को बुलाता है और उनसे कहता है, बलदेव, सावित्री, तुम दोनों मेरे वफादार नौकर हो। मैंने तुम्हें जीवन भर चंद रुपयों की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं दिया। सेठ जी, आप स्वस्थ रहे, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। क्या सेठ जी? मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं सेठ जी। आज दिन भर तुम दोनों अपनी अपनी समझ के हिसाब से भलाई और नेकी का काम करो और शाम को आकर बताओ। मुझे जिसकी नेकी अच्छी लगेगी मैं अपनी दौलत उसके नाम करूँगा। सावित्री और बलदेव धनीराम की बात सुनकर हैरान होते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या काम करें जो धनीराम को पसंद आ जाए। अगले दिन सुबह होते ही सावित्री और बलदेव नेकी और भलाई का काम करने के लिए घर से निकलते हैं। सावित्री अभी तक ये नहीं सोच पाई कि उसे भलाई के नाम पर क्या करना है, लेकिन बलदेव के मन में दौलत पाने की इच्छा ने उसे भलाई के बहुत से काम सुझा दिए हैं। बलदेव सबसे पहले मंदिर में दान करता है, मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में भी रुपया पैसों की मदद करता है, अस्पताल जाकर मरीजों को दवाइयां खरीदकर बांटता है, गांव के पुराने स्कूल की मरम्मत कराता है। सावित्री ऐसे ही किसी नेक काम के लिए घर से निकली है। उसे रास्ते में एक गाय मिलती है जो कचरे के साथ पॉलीथीन खा रही है। अचानक वो गाय गिरकर तड़पने लगती है। सावित्री उसे तुरंत जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज कराती है। उसके पेट से बहुत सारा पॉलीथीन निकलता है। इलाज के बाद गाय ठीक हो जाती है। हे भगवान, अब तो शाम हो गई। मैं सेठ धनी राम से जाकर क्या कहूँगी? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं नेकी का कोई काम नहीं कर पाई, बल्कि खुशी है कि मेरी कोशिश से गाय का जीवन बच गया। सावित्री गाय को अस्पताल में छोड़कर धनीराम के पास जाती है। बलदेव और सावित्री धनीराम के पास आते हैं और अपनी दिन भर की दिनचर्या धनीराम को बताते हैं। बलदेव अपने किए नेकी के सभी काम को एक एक करके गिनाता है और सावित्री सिर्फ इतना ही बताती है कि उसने सारा दिन गाय के इलाज पर खर्च कर दिया। सावित्री के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो चुप हो जाती है। बलदेव और सावित्री, मैंने तुम दोनों की बातें ध्यान से सुनी। बलदेव, तुमने दिन के 8 घंटे में 800 भलाई के काम किए हैं। धन्यवाद सेठ जी। सावित्री, तुमने दिन भर में गाय के इलाज के अलावा और कुछ नहीं किया। तुम्हारे हिस्से में एक ही काम है। सेठ जी, मैं गाय की दशा देखकर सब कुछ भूल गई थी। मुझे आपकी धन संपत्ति कुछ याद नहीं रहा। सावित्री, तुमने मेरी संपत्ति के लालच को भुलाकर गाय की जान बचाई है। ये सबसे बड़ी नेकी और पुण्य का काम है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। लेकिन सेठ जी, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे धन का सही उपयोग करोगी और इससे मुझे शांति मिलेगी। सेठ जी, आपने मेरे विषय में कुछ नहीं सोचा। बलदेव, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ दे कर जाऊंगा। सेठ जी, मुझे आपके धन का लालच नहीं है, आप बलदेव को ही सब कुछ दे दीजिए। नहीं सावित्री, आज से तुम ही मेरी संपत्ति की मालिक हो। बस एक ही प्रार्थना है तुमसे, मेरे जीवन के अंतिम दिनों में तुम मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करना। सावित्री धनी राम को धन्यवाद कहकर उस गाय के पास जाती है जिसका उसने इलाज कराया है। सावित्री गाय के पास आकर उसे चारा खिलाती है। गाय अब पूरी तरह स्वस्थ है। ये सड़कों पर फिरने वाली आवारा गाय है, इसलिए वो उस गाय को धनीराम के घर लेकर आती है और गाय के साथ खुद भी वहाँ रहने लगती है।
सावित्री अब एक बेटी की तरह धनीराम की सेवा करने लगती है, समय पर दवा और खाना पीना देती है, गाय का ताजा दूध पिलाती है। सावित्री बेटी, तुम मेरी कितनी सेवा करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। सेठ जी। सेठ जी नहीं सावित्री, आज से तुम मुझे बाबूजी कहोगी। बाबूजी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं आराम नहीं करूंगी। सावित्री के संकल्प के सामने यमराज को भी झुकना पड़ता है और कुछ ही दिनों में धनी राम बीमारी को हराकर स्वस्थ हो जाते हैं। सावित्री बेटी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, इसका श्रेय मैं तुम्हें देता हूँ। नहीं बाबूजी, आपके स्वस्थ होने में दवाइयों के साथ गाय के दूध का भी चमत्कार है। हाँ बेटी, गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार के लिए संजीवनी का काम किया है, मृत शरीर में जान डाल दी है। हाँ बाबूजी, जब एक गाय ये चमत्कार कर सकती है तो हजारों और लाखों गाय इस देश का भविष्य बदल सकती हैं। सावित्री, गाय हमारे लिए वरदान है, आज से हम अपना जीवन और संपत्ति गाय की सेवा में समर्पित करते हैं। धनीराम और सावित्री मिलकर गाय की सेवा को ही अपना जीवन बना लेते हैं। वो अपने गांव के साथ आसपास के गांव में भी गौशाला बनवाते हैं, उनमें विदेशों की तरह सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। गौशाला के साथ सावित्री और धनीराम जानवरों के अस्पताल भी खोलते हैं, जहां उनका मुफ्त में इलाज होता है और लाखों रुपए खर्च करके देश भर में जागरूकता का अभियान चलाते हैं, जिनमें गाय को पॉलीथीन खाने से रोककर उनका जीवन बचाते हैं। धनीराम और सावित्री की इस सेवा को देश भर में खूब सराहना और सम्मान मिलता है।